जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हमारे पास है यूपी बोर्ड क्लास 12th के 2023 के हिंदी का मॉडल पेपर, और इस वीडियो में हम इस पेपर को सॉल्व करेंगे। और आप लोग ये चीज़ इसमें मिला लीजिएगा कि जो आंसर आप अपने पेपर में देकर आए हैं, क्या वही आंसर इसमें आपको मिल रहा है कि आपने अपने पेपर में गलत लिख कर आया है। ये पेपर जो है ये साहित्यिक हिंदी का पेपर है। सामान्य हिंदी के पेपर की वीडियो भी एक घंटे बाद या कल आपको मिल जाएगी। पहले हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसमें भी सिमिलर क्वेश्चन आए थे जैसे सामान्य हिंदी में आए थे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपका कि वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध संग्रह नहीं है। चार ऑप्शन दिए गए थे, वाग्धारा, कल्पलता, कल्पवृक्ष और पूर्वोदय। तो इसका राइट आंसर है पूर्वोदय जो है ये वाला ऑप्शन, ये वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध संग्रह नहीं है। खा वाला क्वेश्चन है, दीप जले शंख बजे संस्मरण के लेखक हैं, कौन हैं? तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का क्या है, दीप जले शंख बजे संस्मरण के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रैक्य आख्यान भी कहा जाता है? तो राइट आंसर है अनामदास का पोथा, इसको क्या कहा जाता है, रैक्य आख्यान कहा जाता है। फिर है भारतीय अर्थनीति का अवमूलन किस पुस्तक के लेखक हैं, जो नाम है भारतीय अर्थनीति का अवमूल्यन, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है दीनदयाल उपाध्याय जी। आगे हम बढ़ेंगे, हमारे चार क्वेश्चन हो गए। इसमें कई सारे क्वेश्चन जो थे आपके बहुविकल्पीय पूछे गए थे। जैसे हम अगला क्वेश्चन देखें तो ये पांचवा क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन का, ये है कि इनमें से सुंदर प्रोजी सुंदर रेड्डी का ग्रंथ है तो मिशन इंडिया, ये कौन सा है? इनको आप जानते हैं, ये है अब्दुल कलाम का। और इन तीनों में भी ये कोई नहीं है अब्दुल रेड्डी, प्रोजी सुंदर रेड्डी जी का। इसका राइट आंसर है वैचारिकी, ये प्रोजी सुंदर रेड्डी जी का एक ग्रंथ है। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक में किस तार सप्तक में कवित्री नहीं संकलित थी? तो मेरे हिसाब से तो प्रथम में ही जो है, जो प्रथम तार सप्तक है उसमें भी कोई कवित्री नहीं थी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, इनमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना नहीं है, ये तीनों रचनाएं हैं, केवल ये कल काशी ये इनकी रचना नहीं है। हरिओध जी द्वारा लिखित पारिजात काव्य में प्रस्तुत कितने सर्ग हैं, ये आपको बताना था, तो इसमें 15 सर्ग हैं। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, तो गंध विधि मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। आगे देखेंगे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय इनमें से किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो आंगन के पार द्वार पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आगे आपको एक गद्यांश मिल जाएगा जो कि 10 नंबर का होगा, इसमें आपको बताना है कि ये किस लेसन से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। इस चीज़ को बताने पर 2 नंबर मिलेंगे और 4 क्वेश्चन और पूछे जाएंगे जो कि आपको कुछ इस तरह से दिखाई देंगे, और इन चारों क्वेश्चन के आंसर आपको इसी जो पैसेज है, इसी पैसेज में, इसके पिछले वाले में आपको मिल जाएगा। तो मेन चीज़ होता है कि इसके लेखक कौन है, तो लेखक हैं इसके वासुदेव शरण अग्रवाल, इसका हम बता रहे हैं वासुदेव शरण अग्रवाल इसके लेखक हैं, और ये लेसन है राष्ट्र का स्वरूप। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। दोनों में से एक ही सॉल्व करना था तो एक हमने कर लिया। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, दूसरे में ये पहला वाला थोड़ा डिफिकल्ट था अगर आप, लेकिन दूसरा जो कविता आपको दी गई थी इसको अगर आप पूरा पढ़ते तो इसमें आपको नीचे मिल रहा था, नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधकुला अंग। इससे आपका कन्फर्म हो जा रहा था कि ये श्रद्धा मनु का है, श्रद्धा मनु लेसन का नाम है और इसके लेखक, इसके रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद जी। तो ऐसा इस क्वेश्चन का आंसर था। आगे हम बढ़ेंगे, आगे आपको किसी एक का जीवन परिचय लिखना था। ठीक है, जीवन परिचय किसी एक का लिखना था और इनमें किसी एक का जीवन परिचय लिखना था। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि साहित्यिक हिंदी है तो साहित्यिक हिंदी में जीवन परिचय पूछ रहे हैं, लेकिन जो आपका सामान्य हिंदी होता है उसमें साहित्यिक परिचय आता है। तो तीन में से किसी एक का लिखना था, इसमें आपने हजारी प्रसाद द्विवेदी का आपका फंस गया होगा, और इन तीनों में किसी का भी आप लिख सकते हैं, तीनों जो है इंपॉर्टेंट ही थे और तीनों अच्छे आए थे। अगला क्वेश्चन था पंचलाइट कहानी का सारांश, जो कि सभी को पता है, मतलब गोधन का चित्रण करना था और पूरी पंचलाइट गोधन के ऊपर ही है, तो जिन्होंने सारांश याद किया है वो इसका चित्रण भी आसानी से कर देंगे। आगे आपको किसी एक नाटक का, क्या कहते हैं, किसी एक नाटक के नायक का चित्रण करना था, और उसके बाद ये आपको एक मिल गया था संस्कृत का एक पैसेज, इसको आपको सॉल्व करना था। लेकिन पहले वाले पैसेज की अपेक्षा अगर आप दूसरे को सॉल्व करते तो ये इसमें थोड़ा जो है ज़्यादा क्लियर दिया गया था कि ये किस लेसन का है, महामना मालवीय लेसन का है। संदर्भ लिखना था आपको, 2 नंबर मिलता। तो संदर्भ में क्या लिखना था, प्रस्तुत संस्कृत खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत भाग में संकलित महामना मालवीय नामक पाठ से लिया गया है, इतना आप लिखते तो आपको 2 नंबर मिलता। इसके हिंदी अनुवाद पर आपको 5 नंबर और मिलते, 7 नंबर टोटल आपके हो जाते। इसी तरह आपका 8वें का खा क्वेश्चन था, एक श्लोक दिया गया था, इसमें भी संदर्भ लिखना था और हिंदी अनुवाद करना था।
तो इसमें भी अगर आप दूसरा क्वेश्चन इसमें प्रेफर करते, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निंद्रया कलहेनवा, इसको अगर आप प्रेफर करते तो ये सुभाषित रत्नानी का है। तो सुभाषित रत्नानी का है तो दो नंबर तो आपका ऐसे ही फिक्स हो गया, और ये आप क्लास 8 से या 6 से आप इस श्लोक को पढ़ते आ रहे हैं, तो 5 नंबर में आप इसकी हिंदी भी लिख लेते, तो ये भी आपका हो गया। आगे देखेंगे हम, ये 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, 4 क्वेश्चन जिनमें 2 का आपको आंसर देना था, इसको आपने आई होप दे लिया होगा क्योंकि ये बहुत ही आसान है। फिर वीर रस और हास्य रस, वीर का स्थायी भाव उत्साह होता है और हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। श्लेष अलंकार में क्या होता है, एक ही शब्द 2 बार प्रयोग किया जाता है जिनमें दोनों शब्दों के आंसर अलग अलग होते हैं। सोरठा दोहा का उल्टा होता है। इतनी चीज़ें आपको 6 नंबर में क्लियर हो गई। आगे हम देखेंगे, एक आपको निबंध लिखना था, निबंध इन 5ों में से किसी एक टॉपिक पर लिखना था। पर्यावरण प्रदूषण इस बार बताया गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर अगर आपने याद किया होगा तो ये आपको बहुत ही आसानी से आ गया होगा। आगे हम बढ़ेंगे 12वें क्वेश्चन पर, टोटल 13 क्वेश्चन पूछे गए थे या 14 होंगे शायद, 12वां क्वेश्चन फिलहाल हम देखते हैं। नयनम में संधि है, नेधन अनम कौन सा है, ये दूसरा है, नेधन अनम ये आपका हो जाएगा। सतकारा तो ये हो जाएगा, यहाँ पर एक गलती की थी, ये ऐसा कुछ रहेगा, तो सतधन कारा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरिष्ठन चरति, इसका संधि विच्छेद करना था, इसमें तो कोई क्या कहते हैं एकदम कन्फर्म नहीं है, लेकिन हो सकता है कि ये वाला ऑप्शन आपका हरिष्ठन चरति ये आपका सही हो जाए। आग समुद्रम, इसमें आपको समास बताना था, भेदभाव समास है। महाजना हमें कौन सा समास था ये बताना था, कर्मधारय समास है। आगे बढ़ते हैं आप, तो आत्मना हमें आपका शब्द रूप बताना था कि इसमें कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है। तो इस क्वेश्चन में आपका पंचमी विभक्ति था और एक वचन था। अगर आप आगे बढ़ते तो कुछ क्वेश्चन इसमें और पूछे गए थे, और अगर आप ध्यान दें तो साहित्यिक जो हिंदी है आपकी वो कहीं ज़्यादा हिंदी के जो क्लास 10th है उसके संस्कृत एग्जाम से मेल खाती है। जिस तरह से संस्कृत में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी तरह से इसमें पूछे गए थे। नामसु का आपको शब्द रूप बताना था कि क्या कैसे है, तो नामसु में क्या है, सप्तमी विभक्ति है और बहुवचन है। आगे है पियेबम तथा नयेतम शब्द में किस धातु रूप अलंकार ये सब बना था, 2 नंबर का है, इसको आप बता दीजिएगा और एक बार चेक कर लीजिएगा पिबेयम क्या है, और इसका अगर आपको धातु रूप याद होगा तो ये आपको आ जाएगा। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन था, इसका आंसर मुझे नहीं पता है। बुद्धिमान शब्द प्रत्यय में कौन सा है, तो मतुफ है जो है इसमें प्रत्यय है। इसमें आपको क्या बताना था, विभक्ति बताना था, वचन बताना था, और उसके बाद 2 का संस्कृत में अनुवाद करना था, जैसे कि संस्कृत पेपर में आप करते थे क्लास 10th में। ये था आज के पेपर में, और ये साहित्यिक हिंदी का पेपर था क्लास 10th का, और इसका जो है कोड था 301JZ। आप हमें कमेंट में बताइएगा कि आपके पेपर का कोड कौन सा था और आप किस जिले से बिलोंग करते हैं, और इस पेपर का फुल सॉल्यूशन देखेंगे, लेकिन हम देखेंगे इसका पेपर फुल सॉल्यूशन कम से कम 10 से 15 दिनों बाद। आपके रिजल्ट आने से पहले इसका फुल सॉल्यूशन चैनल पर आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगी इसके अपलोड होने के बाद। तो फिलहाल आप कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी आपको वीडियो, फुल सॉल्यूशन मिलेगा तो इसके लिए आप परेशान मत होइएगा। हम मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।